अफगान में तालिबान की बढ़ती ताकत से रूस अलर्ट भी है। अफगान सीमा से सटे ताजिकिस्तान में टैंकों की तैनाती बढ़ा रहा है रूस। एक तरफ यह भी खबर है, रूस ताजिकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे का कर रहा है आधुनिकीकरण। रूस को तालिबानी आतंकियों के ताजिकिस्तान में घुसपैठ का डर है। तालिबान ने ताजिक आतंकी संगठन से किया गठबंधन, यह भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मैं इसके बारे में और जानकारी आपको जो देना चाहता हूं, आइए जरा सीधे प्ले ऑन करें। यह बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यह मतलब दो दो गेम्स चल रहे हैं यहां पर अगर देखें तो। यह देखें, तालिबान पर रूस मेहरबान, फिर सीमा पर क्यों घबराए पुतिन, आतंकी लिस्ट से हटेगा नाम, टैंकों की तैनाती क्यों, देखें इसको जरा। रूस से लौटे तालिबान की बाछे खिली हुई है। दूसरी तरफ तालिबान की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ है रूस। मैं चाहूंगा इसको प्लीज ब्लॉक को जूम इन करें। नेक्स्ट यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, किस तरीके से तालिबान को आतंकी लिस्ट से हटाने का भरोसा दिया है। ताजिकिस्तान में T-72 B-3M टैंकों की तैनाती की गई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालिबान के लिए रूस का स्टैंड गुड न्यूज से कम नहीं, तालिबान ने ताजिक आतंकी संगठन से किया गठबंधन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा इसको सीधे लेकर आए और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ कर्नल दिनेश रैन मौजूद है। सर, ये जो जानकारी आ रही है, एक तरफ आतंकी लिस्ट से नाम हटाने के ऊपर विचार, दूसरी तरफ ताजिकिस्तान में अपना बिल्डअप, रशिया की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अभी हाल ही में जो रशिया के अंदर मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि रशिया ने एक तरीके से तालिबान का साथ देने की कोशिश की और इसमें भारत चुप रहा। बहुत पहले से रशिया चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के खिलाफ अपने आप को बचाने के लिए खासकर आईसिस खुरासन से काफी स्टेप ले रहा था, तब तक 15 अगस्त से पहले पहले। लेकिन अभी हाल ही में करीब 10,000 के करीब लड़ाके जो है उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है वो देखे गए थे, और उसके बाद रशिया ने उसके खिलाफ जो है कजाकिस्तान के साथ अपने हेलीकॉप्टर, अपने फाइटर जेट्स जो है 235 आपके इतने टैंक और बाकी इनकी एक्साइट शुरू हो गई थी। फिलहाल बात यह है, अगर मैं आपसे कहूँ निशान को ये कि अभी रूस जो है तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज रूस जो जो पाकिस्तान के साथ पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, उसमें रूस की इकोनॉमी को फायदा होगा। रूस नहीं चाहता कि आईसिस जो पुरातन है वो उसके लिए किसी प्रकार से जो है वो प्रॉब्लम करे, रशिया की तरफ को बढ़े कजाकिस्तान के रास्ते और तालिबान उसको रोके, ऐसी प्रॉमिस वो तालिबान से चाहता है। इसी लिहाज से शायद तालिबान को कुछ रियायत दी जा रही है कि उनको नदी निश्चित के अंदर भी रिकग्निशन कराने में रूस मदद करे, चीन तो वैसे ही साथ दे रहा है, इस तरह की हरकतें हो की जा रही है। लेकिन जो बिल्डअप है, एक्सरसाइज है पाकिस्तान में, वो तालिबान के खिलाफ कम होकर के जो सूचना रूस के पास है कि कहीं ये जो आईएसएस क्लासेस के लोग कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं हजारों की संख्या में, ये कहीं कजाकिस्तान के रस्ते तो है रूस की तरफ जो है वो ना आगे बढ़ने की कोशिश करें और रूस के खुद बॉर्डर पे आके रूस के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। आप जो बता रहे विष्णु सर से मैं जानना चाहूंगा, सर ये जो रशिया की स्ट्रैटेजी है, एक तरफ फेथ बिल्डिंग मेजर्स और दूसरी तरफ उस चीज के लिए तैयारी रहना कि तालिबान कभी भी रोग हो सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भी इसी एजेंडे पर आगे चलेगी तालिबान से डील करते हुए? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया, रोग या गुंडा। जब कोई जैसे कोई मोहल्ले का ही गुंडा होता है तो क्या होता है, एक तरफ से उसे डर भी लगता है कि वो कुछ खुराफात करेगा, उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आदमी कोशिश करता है या काउंटर करने की, दूसरी तरफ उसको कल्टीवेट करने की भी कोशिश करता है कि हमारे साथ ये ठीक रहे। तो ना केवल रशिया, चाइना, यूएसए भी यही कर रहा है। यूएसए भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि इनके जो टेरर लिस्ट में है, यूएनएससी के टेरर लिस्ट में या अमेरिका के टेरर लिस्ट में, इनका नाम हटाया जाए, क्योंकि 12 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे कैबिनेट में है। और हकीकत यह है कि तालिबान सत्ता में है और ये कहीं जाने वाली नहीं है। तो अब किसी तरह कोशिश ये है कि इनका रुख मॉडरेट किया जाए, इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये दूसरी बात है, पर ये दोनों ही पैंतरे लगाए जाएंगे और सब देश यही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप जो बता रहे हैं ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।